मसीह खुदा मेरे अजीज भाई और बहनों, 24 जुलाई इस साल पापा आजम के फरमान के ऐन मुताबिक आलमगीर कलीसिया में ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरी यानी बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है। बुजुर्गों की अहमियत हमारे लिए नहायत अहमियत की हामल है और इसलिए इस दिन को मनाते हुए बुजुर्गों का खानदान में, मुआशरे में और कलीसिया में किरदार और अहमियत को उजागर करना नहायत अहमियत का हामल है। इस सिलसिला में जो मरकजी आयत चुनी गई है वो जबूर 92 उसकी 15वीं आयत है। वो बड़ी उम्र में भी फल देंगे और तरोताजा और सरसब्ज होंगे। हमारे बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी या खानदानों में दिगर बुजुर्ग बेशुमार तजर्बा रखते हैं दुनिया में और अपनी जिंदगी में उन्होंने बेशुमार चैलेंजेस का सामना करते हुए अपनी जिंदगी का सफर तय किया होता है और हम अपने बुजुर्गों के तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत से खानदानों में और हमारे माशरे में बहुत से लोग जो है वो बुजुर्गों में को इस उम्र में आकर भूल जाते हैं या अहमियत नहीं देते। बहुत से नौजवान तो बुजुर्गी के इस आलम में अपने बुजुर्गों की परवाह नहीं करते, मगर जो खिदमत हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सर अंजाम दी है उनकी इस खिदमत का सिला हमें उनकी हिफाजत करते हुए, उनकी तैमारदारी करते हुए, उनसे इस उम्र में अपनी मोहब्बत और खिदमत के जरिए से दिखाकर अपने मुआशरे में उजागर कर दी है। आए इस दिन को मनाते हुए हम बुजुर्गों से अपनी अकीदत, मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के रिश्ते को बढ़ाएं और उनके तजुर्बात से हम खानदानों के लिए, कलीसिया के लिए और अपने माशरे के लिए बहुत से तजर्बात के जरिए से और उनकी बरकात के वसीले से हम खानदानी तौर पर मजबूत हों, माशरती तौर पर मजबूत हों और कलीसियाई तौर पर मजबूत होते हुए हम बुजुर्गों की अहमियत को अपनी जिंदगी में बढ़ाएं और अहमियत दें ताकि हमारे बुजुर्ग खुदावंद की तलीमात के मुताबिक हमारी मोहब्बत को और खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में महसूस करते हुए हम सब के लिए रहमत और फजल का बाइस हों। आमीन। शुक्रिया।